वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक सोलर इन्वर्टर पर कितने पैनल लगा सकते हैं। अगर आपका इन्वर्टर मान लीजिए 1100 VA का है तो इस पर आप 800 से 900 वोट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर 800 से 900 वोट के सोलर पैनल नहीं लगा सकते, क्योंकि जो सोलर इन्वर्टर होता है उसकी सोलर जो सपोर्ट करने की कैपेसिटी होती है वो भी एक लिमिटेड होती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने जो सोलर इन्वर्टर खरीदा है उस पर आप कितने पैनल लगा सकते हैं। तो ये मेरे सामने मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, लूम सोलर। ये बेसिकली सोलर सिस्टम के सभी प्रोडक्ट पर काम करती है, तो इन्हीं के हम किसी एक प्रोडक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको शॉप का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे सभी कंपनियों के जो इन्वर्टर है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी एक कंपनी के इन्वर्टर को देखेंगे। मेरे पास माइक्रोटेक का है तो मैं माइक्रोटेक को ही यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के आपको दिख रहे हैं ये आपको 12 वोल्ट में मिलेंगे, मतलब कि आपको इनके ऊपर 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इनमें से एक इन्वर्टर को ओपन कर लेना चाहिए और दूसरा हम ये ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डबल बैटरी का इन्वर्टर है और इस पर आप 1200 वोल्ट के सोलर पैनल है वो लगा सकते हैं। तो इस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो 1700 VA है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर आप 1400 से 1500 वोल्ट जो लोड है वो चला सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो सोलर पैनल है वो आप सिर्फ 1200 वोल्ट तक के ही लगा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास में सिंगल बैटरी का सोलर इन्वर्टर है तो उसके ऊपर आप 600 वोल्ट के सोलर पैनल वो लगा सकते हैं, लेकिन ये सभी कंपनियों के अलग अलग जो मॉडल हैं उन पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो सोलर कंट्रोलर लगा हुआ है वो किस टाइप का है। तो आपको इन्वर्टर खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है और आपको देखना होगा कि आपको कितने पैनल लगाने हैं। अगर आपको 600 वोल्ट तक के पैनल लगाने हैं या इसे कम लगाने हैं तो आप सिंगल बैटरी का इन्वर्टर ले सकते हैं, नहीं तो आपको डबल बैटरी का इन्वर्टर लेना पड़ेगा और उस पर आप 1200 वोल्ट तक के पैनल वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 12 वोल्ट के इन्वर्टर पर ज़्यादा AH या डबल बैटरी लगाते हैं तो आप इनका कनेक्शन पैरेलली करेंगे और इसके ऊपर आप चार्ज करने के लिए आप एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आपको कई सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलेंगे जिससे कि आप जो एक्स्ट्रा सोलर पैनल है वो आप उस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में और बैटरी के साथ में सीधा जोड़ सकते हैं। लेकिन सोलर चार्ज कंट्रोलर भी आपको सबसे पहले देखना होगा कि कितने वोल्ट पर काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे पास सुकैम का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई है, अगर आपको इसके कनेक्शन वगैरह देखने हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सुकैम का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मेरे पास ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है और इसकी वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं, इसके कनेक्शन वगैरह वो कैसे करने हैं तो आप इसे देख सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पर काम कर सकता है। अगर आपके पास 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास 24 वोल्ट का है तो भी आप इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इसकी भी लिमिट होती है, इस पर भी आप 400 से 500 वोल्ट तक के सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप अपने एक नॉर्मल इन्वर्टर या एक सोलर इन्वर्टर पर एक्स्ट्रा जो सोलर पैनल है वो लगा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।